शहर में पिछले 3 दिनों से अचानक तेज हवा के साथ हो रही तेज बारिश के चलते रैम्बल रोड स्थित इंदिरानगर में बहुमंजिला इमारत से पानी की टंकी नीचे गिर गई। टंकी गिरने से वहां खड़ी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्रवासियों ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया। ये भैया इंदिरा कॉलोनी है रैम्बल रोड, और इस छठी मंजिल से 2 टंकियाँ गिरी है। जो एक तो वो भावी जी पे थोड़े से बच्चे वरना वो दब जाते उस पर। एक ये गाड़ी खड़ी थी किसी, वो गाड़ी टूट गई, वो गाड़ी टूट गई, यहीं खड़ी थी, वो ये टंकी यहीं गिरी है। तो पहले आपने शिकायत करी? कर रखी है हमने कई बार, आए दिन शिकायतें कर रखी है इसकी। कभी इसकी ये बिल्डिंग की बनते बनते ईंटें गिर गई थी, कभी इसकी खिड़कियाँ गिर जाती है, कभी ये कांच कांच गिर जाते हैं। कई बार शिकायतें करते हैं, लेकिन ये अपने पैसे के बलबूते पे ने किसी को कार्रवाई नहीं करने देता। किनका मकान है ये? नवीन महेश्वरी है जी। इनको बोला कभी आपने? बोला तो धमके दिलाता ये। अच्छा, गगवाना के कोई महबूब खान है, उनसे धमके दिलाता। हमारे पास नंबर आए हैं उनके। निगम में शिकायत करी आपने? निगम में भी कहा हमने। क्या क्या ये हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोलते हैं कि मैं नगर निगम को जेब में रखता हूँ। कल क्या हुआ? कल वो ये बांदी, ये बारिश आई थी, उससे 2 टंकियाँ आके, एक तो ये राम प्रसाद जी के घर पर जाके गिरी, जिनमें वो सुनीता बाबा जी दब जाते, और एक नीचे गिरी जो गाड़ी पे गिरी नीचे आके। इसको कभी भी कहते हैं तो ना ये हमारी सुनता नहीं है, हमको उल्टी धमके दिलाता है। और ये देखो वो रास्ता देखो, ये गड्ढा कर रखा है इसने, यहाँ दुर्घटना का है, लेकिन सुनता नहीं। आगे 3 साल से हम इसको बोल रहे हैं, भैया तुम्हारी ये दीवार खड़ी कर दो, नहीं खड़ी करता। किचन कल है ना, जरा सी रिमझिम बारिश आ रही, जरा सी आंधी सी आई, उसमें है ना टंकी ऊपर से, मतलब मैं नाली में तो कचरा निकाल रही और इधर हटी जरा सी, और वो टंकी धड़ से अंदर गिरी। मैंने सोचा कि बिजली गिर गई आज, फिर मैं उठ गई, फिर वापस सबको इकट्ठा किया कि देखो टंकी गिर रही है। ये कौन सी टंकी है? ऐसी है, ये 11 लीटर की टंकी है, ऐसी टंकी है बिल्कुल। ये टंकी, दोनों टंकी, एक नीचे गिरी एक ऊपर गिरी है। को हादसा हो जाता बड़ा है? हादसा होता नहीं, मेरे में लगी नहीं, बाकी ये गाड़ी हो जाता जरा सी हटी में तो।